नाम बताइए भाई साहब अपना। मेरा नाम विकास पराशर है, मैं अभी जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी। विकास जी क्या हुआ था? ऐसा ही है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं जाते हैं। हमने यहाँ पे एक गांव की संस्कृति होती है हुक्का पीना, हुक्का मैंने यहाँ पे रख रखा था। जिसके साथ झगड़ा हुआ है, जिसके साथ मारपीट आई हुई है, वो कुछ देर पहले मेन भवाना चौक पे झगड़ा करके आया था। वो आके यहाँ पे हुक्का पीने लग गया। हम उसको ना जानते ना पहचानते, कभी कभी आते हैं तो भवाना के लोग। इतने में जिनके साथ वो झगड़ा करके आया था वो लोग पीछे से आए हैं, उसको मारा है, उसकी तरफ फायर मारा है। उस मेरा हुक्का रखा हुआ था, हुक्का उसके सिर पे मारा है। उन दोनों का ही आपस में कुछ झगड़ा, मेरा मेरी पार्टी का या मेरा किसी परिवार का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो आपके ही ऑफिस को टारगेट क्यों किया गया? वो बाहर भी कर सकते थे सर? नहीं, वो पहले उनके घर पे गए हैं, वो उनके घर पे मिला नहीं, उनको किसी ने बताया कि वो उस तरफ में गया डिपो की तरफ। तो वैसी बात है, शाम को आएगा तो हुक्का पीने आते हैं यहाँ पे कुछ सारे लोग, वो हुक्का पीते हुए अंदर पकड़ा गया उसको मार के। हमलावर कितने लोग आए थे और कितनी फायरिंग थी? एक फायरिंग की है और मेरे हिसाब से 10 से 12 लोग थे। लेकिन मैं फिर भी ये चाह रहा हूँ, जिसने भी ये काम किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में ये काम हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ यहाँ पे, जिला उपाध्यक्ष हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे चुनाव लड़ी है। अब बातें तो मेरे ऊपर उठ रही हैं कि भाई विकास के ऑफिस में फायरिंग हुई है, लेकिन मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये तो नहीं है कि कोई साजिश की गई हो कि आपके ऑफिस में? ना, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरा ना कोई दोस्त है, मेरे दुनिया भर के दोस्त ही है, मेरा कोई दुश्मन तो है नहीं। राजनीतिक दुश्मन हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधारा हो सकती है। खोल देगा।